दर्शकों, अमेजोन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महर्षि दयानंद के पंथ आर्य समाज के पतन के मुख्य कारणों की। क्या कारण रहे कि आर्य समाज पंथ आज बंद होने की कगार पर है, आइए विवेचन करते हैं। पहला कारण, पदाधिकारियों में संगठनात्मक अनुभव की कमी। दूसरा, गौशालाओं के नाम पर ठगी। तीसरा, संगठन में हिंसा करने वाले गुंडों की अधिकता। चौथा, बाबा रामपाल। पांचवा, महात्मा गांधी। आर्य समाज 2000 से पहले भारत में काफी लोकप्रिय था। सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन कही जाए तो हरियाणा में थी, लेकिन अब यह संगठन लुप्त होने के कगार पर है। संगठनात्मक अनुभव की खास कमी इस संगठन में देखी गई। जो आचार्य आर्य समाज से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने अपने संगठन की तरफ ध्यान न देकर अपने घरों की तिजोरियां भरने में सारा ध्यान लगा दिया। गौशालाओं में काफी ठगी सामने आई। गौशालाओं के नाम पर अधिकारियों, पदाधिकारियों, गौशाला के नाम पर भी आर्य समाज के आचार्यों, पदाधिकारियों ने काफी बड़े बड़े घोटाले किए। आर्य समाज के बड़े पदों पर बैठे आचार्यों का ध्यान भलाई के कार्यों में न रहकर गौओं के चारे घोटालों की तरफ चला गया और इसके कारण यह संगठन चल नहीं पाया और आज इसकी स्थिति बड़ी नाजुक है। तीसरा, हम बात करेंगे संगठन में हिंसा करने वाले गुंडों की अधिकता। इसके पतन का मुख्य कारण यह भी रहा कि इसमें हिंसा का पाठ पढ़ाया जाने लगा और जो थोड़े बहुत लोग इस संस्था से जुड़े थे उनको हिंसा करने के लिए प्रेरित किया जाता रहा, जिससे ये दंगे और फसाद करने वाले लोग बन गए। जनता को गुमराह करके लड़ाई करना और लड़ाई करवाना इनका मुख्य कार्य रह गया। इसके कारण कोई भी सभ्य व्यक्ति इस पंथ से जुड़ने में हिचकिचाने लगा। बाबा रामपाल, जी हाँ, एक ऐसे बाबा जिसने आर्य समाज की जड़ें खोखली कर दी। कैसे? सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसी पुस्तक है जिसको मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं और ये आर्य समाज का आधार है, जो कि महर्षि दयानंद के द्वारा लिखी गई थी। और ये जो आर्य समाज है वो सत्यार्थ प्रकाश पर टिका हुआ है। ये मानते हैं कि ये पुस्तक बिल्कुल सत्य है, लेकिन बाबा रामपाल जी ने सत्यार्थ प्रकाश और वेदों की तुलना शुरू कर दी। ये शुरुआत सन 2000 में की थी। उन्होंने कहा था कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक वेदों के विरुद्ध है, लेकिन जिस सत्यार्थ प्रकाश पर लोग इतना विश्वास करते थे उनको बाबा रामपाल की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर उन्होंने टीवी चैनल और समाचार पत्रों के माध्यम से जनता के सामने रखा। सारी जनता हक्का बक्का रह गई और सच्चाई को सभी लोग जानने लगे कि ये तो जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है, जिससे आर्य समाज को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी। जनता जागरूक हो गई और तत्कालीन जो आचार्य थे उन पर बहुत बड़ी मार पड़ी। बाबा रामपाल जी ने बताया कि वेदों में लिखा है परमात्मा साकार है और आर्य समाज महर्षि दयानंद ये कहता है कि परमात्मा निराकार है। अब बाबा जी का तुलना करने का जो तरीका था वो बड़ा ही जबरदस्त था। उन्होंने प्रमाणित करके दिखाया और ये सच साबित हुआ। इससे आर्य समाज के आचार्यों को बड़ा धक्का लगा। वो सच्चाई जानकर भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वेदों में और सत्यार्थ प्रकाश में बहुत बड़ा अंतर है। वैसे यदि आर्य समाज के किसी भी व्यक्ति से, किसी भी आचार्य से बात की जाए तो वो ये कहेंगे कि वेदों के अनुसार ही सत्यार्थ प्रकाश है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा धोखा है। खैर, हमें क्या लेना है, छोड़ो। अब बात करते हैं सत्यार्थ प्रकाश के समुल्लास 4 पृष्ठ 101 में जो नियोग की विधि बताई है वो बड़ी ही शर्मनाक है। महर्षि दयानंद ने चौथे समुल्लास में कहा है कि एक औरत 11 लोगों के साथ शारीरिक संबंध बना सकती है। क्या ये सभ्य समाज में लागू हो सकता है? इसलिए सभ्य समाज ने ही सारी समाज को नकार दिया। आगे तो और भी कमाल हो गया। समुल्लास 4 पृष्ठ 71 पर लिखा है कि 24 साल की लड़की और 48 साल के युवक का विवाह उत्तम विवाह है। मतलब यदि कहें कि सबसे उत्तम विवाह का समय उन्होंने 48 साल बताया है, ये उनका मुख्य नारा है। अब लोगों ने देखा कि किसी भी आर्य समाजी या जो गृहस्थी है आर्य समाज से ताल्लुक रखता है ये नियम तो फॉलो नहीं करता, क्योंकि हमने आसपास देखा कि आर्य समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग कभी भी 48 साल की एज में शादी नहीं करवाते। और ये एक सभ्यता भी नहीं है कि भी जब आप बुजुर्ग हो जाओ तब शादी करवाओ, ये तो उन्होंने एक नियम बना दिया। अरे भाई साहब, 48 साल का व्यक्ति शादी करवाएगा या अपनी आंखें बनवाएगा? इस नियम से समाज का विनाश हो जाएगा। कौन मंजूरी देगा एक क्षत्रिय अपने पुनर्विवाह न करे और एक नियोग कर ले?
यानी कि किसी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना ले। मतलब बात ये है कि महर्षि जी कहते हैं कि पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए, इसके लिए चाहे वो नियोग कर ले। इसलिए तो कहते हैं विनाश काले विप्रता बुद्धि। आर्य समाज की गलत नीतियां, वेद विरुद्ध ज्ञान और इसकी फुहड़ता को समझते हुए जनता ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अभी जो आगे बताऊंगा इसे सुनकर तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। यकीन नहीं हो रहा तो सुनिए। सत्यार्थ प्रकाश के समुलास 8 पृष्ठ 111 में लिखा है कि सूर्य पर भी वेद पढ़े जाते हैं, वहाँ भी सृष्टि है, वहाँ भी लोग रहते हैं। अरे बुद्धिहीन आचार्यो, अब तो मान जाओ। ये बात तो कोई अनपढ़ ही बता सकता है कि सूर्य पर जाकर आप अपना आसन नहीं लगा सकते। चलो छोड़ो, हमें क्या लेना है। एक दिन की बात है, मैं भी आर्य समाज के आचार्यों की मीटिंग में था। थोड़ा बहुत प्रभावित था क्योंकि इनकी जो भाषा शैली है, इनका जो उच्च उच्चारण है, एक बार ये लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। एक आचार्य ने कहा कि क्या कारण है कि हमारा पंथ पतन की ओर जा रहा है और जब भी हम लोग इकट्ठे करते हैं आर्य समाज के नाम पर 200-300 से ऊपर नहीं होते। मैं भी उस मीटिंग में था। मैंने कहा जनाब अब इंडिया एजुकेटेड है, सबको पता चल गया कि सूर्य पर सृष्टि नहीं हो सकती। और कौन ऐसी जगह आना चाहेगा जिस पंथ में 50 साल का होने के बाद शादी की जाती हो, और कौन अपनी माँ बहन बीवी को ये मंजूरी देगा कि वो 11 पुरुषों से शारीरिक संबंध बनाए, और जिसको परमात्मा चाहिए वो वेदों के विरुद्ध क्यों चलेगा। आपका सारा सिस्टम तो खराब है। अब ये बातें सुनकर उन लोगों ने उनके होश उड़ गए और मेरी तरफ क्रोध भरी नजरों से देखा। इसलिए उस दिन के बाद मैंने भी आर्य समाज को बाय बाय कह दिया। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी ने आर्य समाज के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा मैंने आर्य समाजियों की सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा है। जब मैं यरवदा जेल में आराम कर रहा था, मेरे दोस्तों ने इसकी 3 कापियां मेरे पास भेजी थी। मैंने इससे निराशाजनक पुस्तक कोई नहीं पढ़ी। अब उन्होंने 4 जून 1924 के अखबार यंग इंडिया में कहा है, ये अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ था। उन्होंने कहा है कि आप जहां कहीं भी आर्य समाजियों को पाएंगे वहां ही जीवन की सरगर्मी मौजूद होगी। तंग और लड़ाई की आदत के कारण या तो धर्मों के लोगों से लड़ते रहेंगे, और यदि ऐसा न कर सके तो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे। ये आर्य समाजियों की फितरत है, महात्मा गांधी जी ने कही, और इस बयान ने आर्य समाज की कमर तोड़ दी। अभी अंत में यही कहेंगे, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को कोई सभ्य इंसान नहीं पढ़ सकता, अतः इसे घरों में रखना अपनी गृहस्थी को खत्म करना हो। रुकिए, एक बात और। आपने एक चुटकुला तो सुना होगा कि पंडित जी आप समझ तो गए होंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर करें।